अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? सुनहरी। और ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? क्या हुआ है? काम मांगने गई थी मैडम, तब से पीछे लगे हैं। ये लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं, दोबारा आ जाएंगे मैडम। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ नहीं करेंगे ये। हमें काम करते हैं, पुलिस में चल के कंप्लेन कर देते हैं। अब नहीं, पुलिस में नहीं जाना है। हो सके तो कुछ दिन रहने की जगह चाहिए बस। पुलिस में नहीं जाना। देखो डरो मत, अगर हम पुलिस में कंप्लेन नहीं करेंगे तो ये लोग वापस आ जाएंगे, वापस तुम्हारा पीछा करने लगेंगे। तुम समझ रही हो ना, हम गरीब लोग कहाँ पुलिस के चक्कर काटेंगे मैडम। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, पर पुलिस में नहीं जाना। सुनहरी मेरी सुनहरी रुको, कहाँ जा रही हो तुम? तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें क्या बोल रही हो बेटी? पंडित जी, मेरी दादी कहती हैं कि किसी की मदद के लिए अगर आप एक हाथ बढ़ाओ तो हमारे ज़रूरत के लिए 100 हाथ आगे आ जाते हैं। और ज़िंदगी की राह में तो हम सबको किसी ना किसी की ज़रूरत तो पड़ती है ना। पर बेटा, आपको यकीन है कि आपका फैसला सही है? पंडित जी, ये सब माँ के दरबार में हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी ही मर्जी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। सुनहरी, शुक्रिया मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये लो बेटा, माता रानी आपकी रक्षा करें। एक मिनट, चुन्नी गलती से गिर गई, लेकिन मेरी मन्नत को पूरी होने दीजिएगा। जी सुदेश जी। हाँ, मैंने ही उस नेकलेस पे पन्ना लगाने को कहा था, क्लाइंट की वही डिमांड थी। ओके। सुनहरी, सॉरी नहीं आजी, मैं निकाल देती हूँ, गलती से हो गया होगा। आउच! कौन है ये रुचिता? यहाँ क्यों आई है? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं माँ, ये सुनहरी है। वो एक्चुअली मंदिर में ना बहुत बड़ा हादसा हो गया था, मैं जब वहां पे गई। Oh!
हटे हो, पीछे हटो, पीछे हटो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं तेरे को। इतना कुछ होने के बाद तुम इसे यहाँ लेकर आ गए? अगर वो गुंडे इस घर के पीछे पड़ गए तो दिमाग ठीक है तुम्हारा? सॉरी माँ, लेकिन इसकी जान खतरे में थी। अगर मैं इसको वहाँ पे अकेला छोड़ देती तो पता नहीं क्या हो जाता। बस कुछ दिन के लिए आइए, फिर ये वापस चली जाएगी। और अगर इतने दिनों में कोई पुलिस केस वगैरह हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, कौन है, कहाँ से आई है। अगर हम फंस गए तो? बिल्कुल, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि किसी भी ऐरे गैरे को उठा के तुम ले आए यहाँ पे। देखो, तुम्हें इसकी मदद करनी है, कुछ पैसे वैसे दे दो, पर घर में लाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए, थोड़े दिन रहने के लिए शरण दे दीजिए। आप जो काम बोलोगे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, मैं सब करूंगी। मैडम प्लीज, मुझको घर से मत निकालिए, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, कोई एहसास भी नहीं होगा कि मैं हूँ यहाँ पे। प्लीज मैडम मत निकालिए। सुनहरी, माँ वैसे भी हमें काम वाली की जरूरत है तो हम इसी को रख लेते हैं ना? भाभी वो मैं एजेंसी से बुलवा लूंगा। ध्यान दो जान यार, तुम्हारी चौखट पे जब कोई मदद मांगने के लिए आता है तो ऐसे खाली हाथ नहीं लौटा देना, रहने दो इसे यहाँ। कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं कमिश्नर से बात कर लूंगा। थैंक यू पापा जी। सुनो, यहाँ रहना है ना तुम्हें, तो अपना चेहरा तो दिखा दो। ये क्या, पूरा चेहरा दिखाओ। जी वो मेरे आधे चेहरे पे बचपन से दाग है, समाज ऐसा चेहरा देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं ढाक कर रखती हूँ, कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। ठीक है ठीक है, तुम ढाक कर ही रखो, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारा चेहरा देखने का। रुचिता, अब तुम इसे लेकर आई हो ना यहाँ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे अच्छी तरह से घर के काम समझा दो और किचन भी दिखा दो, और ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं ऑफिस जाके आता हूँ। जी सुनहरी, चलो। सुनो, तुम्हें इसकी मदद करनी है, ठीक है करो, मगर जिस भोलेपन से तुम इसकी मदद करके इसे यहां लेकर आई हो ना, उसी भोलेपन से इस पे अंधा विश्वास मत करना। बी केयरफुल। इसके आने से ही तुम्हारा हाथ कट गया, सोचो आगे क्या क्या हो सकता है। निहार जी, हाथ तो मेरे गलती की वजह से कटा है ना, इसमें इसकी क्या गलती? ठीक है, मगर अगर इसकी वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा,
तुम्हें कहूंगा। नहीं नहीं आरजी, कोई गलती नहीं होगी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। निहार जी, थैंक यू। रुचिता को घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने जैसे दूसरी ले आई, हमारे घर को आश्रम बना के रख दिया। और उससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे नरेश के ऊपर आ रहा है। क्या जरूरत थी उसे रुचिता की बात मानने की? कोई बात नहीं माँ जी, मुझे भी ना वो लड़की कुछ खास समझ में नहीं आई। कोई ना कोई गलती वो जरूर करेगी जिसकी काज गिरेगी रुचिता पर, और अंत में फायदा हमारा ही होगा। देखो, ये माँ और पापा जी का कमरा है, ठीक है? और ये हॉल है यहाँ पे, हाँ? और ये है दादी जी का कमरा, हाँ? और मैं तुम्हें भैया भाभी का ऊपर से लेफ्ट ना, भैया भाभी का कमरा, और उसके बाद मेरा और निहार जी का, ठीक है? और वहां पे वो रसोई घर, तुम्हें कैसे पता? जी, आपका पूरा घर शायद वास्तु के हिसाब से बना है ना? हाँ, वो मेरे चाचा ना वास्तु के पंडित है, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनसे काफी जानकारी मिली थी तो बस इसलिए अंदाजा लगाया। ओके, अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। हाँ जी दीदी, अच्छा तो ये सुनहरी, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? चलो। जी दीदी। आज सुबह से कुछ ज्यादा ही तूफानी हवा चल रही है। शायद वहां पे कोई है। कौन है यहां? ओ, लगता है हवा की वजह से कुछ हिला होगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरा टॉवल देना प्लीज।
दो थैंक्स। तुम्हें किसने कहा था यहां आने को? हेलो, कहाँ हो तुम? जल्दी से रूम में आओ। जी नेहा जी, क्या हुआ? आपने फोन किया था? ये लड़की मेरे रूम में क्या कर रही है? मेरा रूम मेरी पर्सनल स्पेस है, इसमें मुझे किसी का आना नहीं पसंद। आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया मेरा। लिसन, इस लड़की पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, सो प्लीज इसे मुझसे तो दूर ही रखना। ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बात करती हूँ ना इससे। सुनहरी साहब, साहब आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस झाड़ू लगाने आई थी। सुनहरी, जब मैंने तुम्हें बोला था हॉल में झाड़ू लगाने, तो कमरे में क्यों आई? भूल गई थी मैडम, बाहर लगा रही थी तो सोचा कमरे में लगा देती हूँ। तो जब मैंने तुमसे टॉवल मांगा, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? वो मैं डर गई थी। निहार जी, नहीं नहीं है, इसलिए थोड़ी घबराई हुई है, जाने दीजिए ना। माफ कर दीजिए साहब जी, फिर से नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनो उसे कहो आई एम सॉरी, लेकिन आइंदा मेरे रूम में ना आए। हाँ, मैं बात करती हूँ इससे। सुनहरी, तुम जाओ बाहर जाके झाड़ू लगाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? निहार जी, निहार जी, I'm sorry, आगे से ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, कहीं तुम्हारे फैसले से तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। पूनम, मैंने तो पूजा सुबह ही कर ली थी, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? आपने तो पूजा कर ली थी माँ जी, लेकिन रुचिता की पूजा अभी बाकी है। तो माँ जी, रुचिता नई नौकरानी लाई है घर में, तो उसे आराम करना चाहिए। लंबा आराम मतलब? मतलब ये माँ जी की अगर कोई इंसान पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना करता है, तो भगवान से तुरंत फल प्राप्ति की उम्मीद भी करता है, और अगर उसे वो फल ना मिले तो उसके मन में निराशा घर कर जाती है। Thank you.
जब ये घंटी रुचिता के सिर पर गिरेगी तो 2-3 महीने के लिए वो बिस्तर पर ही रहेगी। रुचिता आ रही है, देख। चल, जल्दी जल्दी जल्दी।